नमस्कार, न्यूज 18 के खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। इजराइल के खूनी हमले नहीं रुक रहे हैं। अब खबर ये आ रही है कि उत्तरी गाजा को जमीन में दफन करने के बाद इजराइल ने दक्षिणी गाजा को रौंदना शुरू कर दिया है। हालात तो ये हो चले हैं कि 4 लाख की आबादी वाले खान यूनिस शहर पर भयानक बमबारी शुरू हो चुकी है। इजरायली सेना का दावा है कि हमास के लड़ाके जनाजों के बीच छिपकर अपनी जान बचाने में जुटे हैं। यूनिस पर खूनी हवाई हमले। छह हफ्ते की जंग में गाजा पट्टी खून की पट्टी बन चुकी है। इजराइल की प्रचंड बमबारी और जमीनी हमले में उत्तरी गाजा की 90% आबादी दक्षिणी गाजा की तरफ भाग चुकी है। उत्तरी गाजा में 1.5 से 2 लाख लोग बचे हैं जो भयानक हमलों के बीच अब दक्षिणी गाजा की तरफ भाग नहीं पा रहे हैं। इजरायली सेना एक तरह से उत्तरी गाजा में जीत का ऐलान कर चुकी है और हमास के 10,000 से ज्यादा लड़ाकों का सफाया इजरायली सेना अब तक कर चुकी है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नेतन्याहू के नेतृत्व में बनी युद्ध सरकार के आदेश पर इजरायली सेना दक्षिणी गाजा में जबरदस्त मिसाइल और हवाई हमले कर रही है। इजरायली सेना का दावा है हमास के बहुत से लड़ाके और कमांडर फिलिस्तीनियों के साथ भागकर दक्षिणी गाजा में घुस गए। खास तौर से दक्षिणी गाजा में खान यूनिस शहर में सबसे ज्यादा हमास के लड़ाके और कमांडर मौजूद हैं। यही वजह है कि अब इजरायली सेना जमीन से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर पर हमला कर रही है। मुर्दों के साथ भागे हमास लड़ाके। इसराइल ने गाजा के दक्षिणी भाग स्थित खान यूनिस पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किया है। इस हमले में 26 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक इजरायली सेना ने हमले से पहले गाजा स्थित खान यूनिस को खाली करने की चेतावनी दी थी। इजरायली सेना ने कहा था कि अगर इस शहर को खाली नहीं किया गया तो अंजाम बुरा होगा, जिसके बाद से इजरायली सेना ने फाइटर जेट और मिसाइलों से खान यूनिस पर हमला कर दिया। फिलिस्तीनियों का दावा है कि इजरायल के इस हमले में एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई है। दावे के मुताबिक खुद को बचाने के लिए पूरा परिवार दक्षिण गाजा पहुंचा था। बताया जा रहा है कि मृतकों में कई बच्चे और नवजात शामिल हैं, जबकि इजरायल का दावा है कि खान यूनिस में हुआ हमला खुफिया इनपुट के आधार पर किया गया सटीक हमला है, जिसमें कई हमास लड़ाके मारे गए हैं। हम आपको बता दें, दक्षिणी गाजा के शहर खान यूनिस की आबादी 4 लाख है और अब इस शहर पर इजरायली सेना ने हमले शुरू कर दिए हैं। במרתפים שמתחת לשיפה שומעים הערב היטב את רעם שרשראות הטנקים, את הדחפורים שנוגחים בשטח, הם שומעים מתחת לאדמה, שומעים ורועדים מפחד. צה"ל החל להשתמש גם בשיטות חדשות בימים אלה לטיפול במי שנמצא במנהרות וגם לחיסול של מנהרות. זה ילך וישתפר בימים הקרובים. כל כוחותינו עובדים על מנת למצוא פתרון. קבר में छिप गए हमास के कमांडर। दक्षिण से उत्तरी गाजा की तरफ 9 से 10 लाख लोग भाग चुके हैं। इजरायली सेना का दावा है कि अब तक 70 के करीब हमास लड़ाके मारे जा चुके हैं। दक्षिणी गाजा में इजरायली खुफिया एजेंसियों को खबर मिली है कि उत्तरी गाजा से हजारों हमास लड़ाके फिलिस्तीनियों के वेश में भाग गए हैं। खबर तो यहां तक आ रही है कि एम्बुलेंस में रखे जनाजों के बीच हमास लड़ाके उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की तरफ भागे हैं। कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि हमास के कुछ कमांडर और लड़ाकों ने कब्रिस्तान में पनाह ले रखी है। इजरायली हमलों से बचने के लिए हमास के लड़ाके कब्रिस्तान में मुर्दों के साथ कब्र में लेटे हुए हैं। इधर IDF ने दावा किया है कि जब तक गाजा पट्टी से पूरी तरह से हमास के लड़ाकों का सफाया नहीं हो जाता है, तब तक हमास पर हमले होते रहेंगे।
दक्षिणी गाजा में इसराइल का आखिरी युद्ध। मिडल ईस्ट और पश्चिम मीडिया की तरफ से जारी जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो गाजा के लिए साक्षात नरक साबित हो रहे हैं। 12,000 से ज्यादा लोग गाजा में मारे जा चुके हैं। वेस्ट बैंक में हमास के कई कमांडर मारे जा चुके हैं। 50% से ज्यादा गाजा तबाह हो चुका है। 35,000 से ज्यादा इमारतें गाजा पट्टी में तबाह हो चुकी हैं। उत्तरी गाजा से 80% से ज्यादा लोग दक्षिणी गाजा की तरफ भाग रहे हैं और अभी भी भागने का सिलसिला रुका रही है। उत्तरी गाजा के बाद दक्षिणी गाजा में इजरायली हमले पूरी तैयारी के साथ शुरू हुए हैं। קודם כל אני חוזר ואומר, שליטה ביטחונית כוללת, עם יכולת להיכנס מתי שרוצים, כדי לחסל מחבלים שיכולים לצוץ מחדש של צה"ל, של מדינת ישראל. עכשיו, זה, אני יכול להגיד לך מה לא יהיה. לא יהיה חמאס. קודם כל אני חוזר ואומר, שליטה ביטחונית כוללת, עם יכולת להיכנס מתי שרוצים, כדי לחסל מחבלים שיכולים לצוץ מחדש של צה"ל, של מדינת ישראל. עכשיו, זה, אני יכול להגיד לך מה לא יהיה. לא יהיה חמאס. हमास के लड़ाकों के बीच इसराइल के कुछ ऐसे एजेंट हैं जो हमास के कमांडर और लड़ाकों के हर हमले और हरकत की खुफिया जानकारी इसराइल की खुफिया एजेंसी और सेना को दे रहे हैं। जैसे ही सुरंग में छिपे हमास के लड़ाके और कमांडरों की जानकारी का सिग्नल हमास के बीच छिपे एजेंट इजरायली सेना को देते हैं, उसके बाद इसराइल तेजी से अपने हवाई और जमीनी कमांडरों को टारगेट की लोकेशन की जानकारी देता है, जिसके बाद सुरंग में मौजूद इसराइल के एजेंट एक सुरक्षित दूरी पर चले जाते हैं, जबकि हमास के कमांडर और बाकी लड़ाके इसराइल के हवाई और जमीनी हमले में बुरी तरह से मारे जा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक हमास के 5,000 से ज्यादा लड़ाकों को इसी तरह से खुफिया इनपुट के आधार पर इसराइली सेना ने मार गिराया है। यहां तक कि 65 से ज्यादा हमास कमांडर इसी तरीके से इसराइल ने मार डाले हैं। मुर्दों के साथ भागे हमास लड़ाके। उधर उत्तरी गाजा में इजरायली सेना ने कोहराम मचा रखा है। इसराइल की 401वीं ब्रिगेड ने हमास के शाती बटालियन के बद्र आउटपोस्ट को खत्म कर दिया है। यहीं पर हमास के 300 के करीब लड़ाके मारे गए हैं। इस जंग में इजरायली सेना के एक मेजर समेत 6 जवान मारे गए थे। हमास के शाती बटालियन पर हमला करने के लिए इजरायली सेना को हवाई हमले, टैंक और आर्टिलरी यूनिट्स की मदद लेनी पड़ी है। शाती बटालियन को खत्म करने के अलावा इजरायली सेना ने कई जगहों पर हमास के मिलिट्री पोस्ट खत्म कर दिए हैं, हथियार डिपो उड़ा दिए हैं। शाती सीमा के पास हमास का आउटपोस्ट आखिरी सबसे बड़ा पोस्ट था। इसके पास में ही रॉकेट लॉन्च स्टेशन था, उसे भी इजरायली सेना ने बर्बाद करने का दावा किया है। कब्र में छिप गए हमास के कमांडर। दूसरी तरफ इसराइल के प्रधानमंत्री और उनकी वॉर कैबिनेट इस वक्त क्या कर रही है, जरा ये भी जान लीजिए। नेतन्याहू गाजा बॉर्डर के आसपास अपने टॉप कमांडरों का हौसला बढ़ा रहे हैं। गाजा में घुसकर हमला कर रहे आईडीएफ के सैनिकों से मिलकर नेतन्याहू ग्राउंड रिपोर्ट पर जंग के ताजा हालातों को जान रहे हैं। इसराइली सेना ने उत्तरी गाजा, मध्य गाजा और वेस्ट बैंक में कई सीक्रेट ऑपरेशन किए हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि जिस तरह से हमास का एयर चीफ, नेवल चीफ, ग्राउंड फोर्सेस चीफ समेत 65 टॉप कमांडर हमास के मारे गए हैं, उनकी मौत के पीछे हमास से जुड़े डबल एजेंट हैं, जिसने इसराइल की आईडीएफ को हमास के टॉप कमांडरों की सटीक जानकारी दी है। इसीलिए इसराइल की एयरफोर्स ने पिन पॉइंट से हमास के कमांडरों पर सीधे बम और मिसाइलों से हमला किया है। एक अनुमान के मुताबिक हमास के टॉप कमांडरों के साथ उनके परिवार, रिश्तेदार के 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। نحن اليوم عانينا معاناة كبيرة جدا من حيث أن استشهد أخواننا في بيت حنون وجيراننا ولم يكن هناك وسيلة اتصال ولم يكن وسيلة إسعاف حتى نتمكن فتمكنا من بعض الناس أن يأتوا على قارة إحمار وتم جايب الجثث حوالي 4-6 جثث من آل البساينة ومن آل درج وتم استشهاد هناك شهداء بالمئات على الأرض في الشوارع في الدور.
इसराइल के रक्षा मंत्री यो गैलेंट, इजरायली सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हर्जी हलेवी, आईडीएफ के ब्रिगेडियर जनरल इत्ज़िक कोहेन का साफ कहना है कि हमास को गाजा पट्टी में अब दोबारा कभी घुसने नहीं देंगे और ना ही अब गाजा में कभी भी हमास का एक भी लड़ाका या नेता जिंदा बच पाएगा। इजरायली सेना के स्पेशल फोर्स इस वक्त गाजा सिटी के बेहद अंदर घुसकर ऑपरेशन चला रही है। इजरायली सेना के टॉप कमांडर्स की मीटिंग में एक ही बात पर खास जोर दिया जा रहा है कि हमास की भीषण तबाही और इजरायली सैनिकों को हमास के जानलेवा हमलों से बचाना है। यही वजह है कि इजरायली जमीनी सेना से खुफिया इनपुट लेकर उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा और वेस्ट बैंक में चुन चुन कर भीषण हवाई हमले कर रही है। दक्षिणी गाजा में इसराइल का आखिरी युद्ध। कुल मिलाकर अब इजरायली सेना गाजा में आखिरी युद्ध कर रही है। दक्षिणी गाजा में तेज होते इजरायली हमलों से साफ हो गया है कि हमास का अंत तय हो चुका है और अब पूरे गाजा पर इजरायली सरकार अपना शासन चलाएगी।